भैया देखो नेटफ्लिक्स वालों ने बोला हमने तो एक बढ़िया डॉक्यू सीरीज बना दी है। किसके ऊपर? यशराज फिल्मों के पूरी जर्नी के ऊपर, उनके कल्चरल इन्फ्लुएंस के ऊपर, द आइडिया ऑफ रोमांस को उन्होंने कैसे शेप किया इसके ऊपर। तो आज हम निकले दिल्ली के पार्कों में अपने फेवरेट लोगों से ये पता लगाने कि रोमांस के बारे में, यशराज की फिल्मों के बारे में उनके क्या ख्याल है। रोमांस एक फीलिंग है। अच्छा, वो अंदर से जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है हमारा वो इंडिकेट करता है कि यार ये लड़की अच्छी है। अंदर से जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो इंडिकेट करता है कि यार ये बड़ी खूबसूरत है, यार ये मेरी बन जाए तो अच्छा है। उसी के साथ फिर आगे पीछे गाने गुने गाते हैं। चलो आपके चेहरे का जो नूर है वो ये बता रहा है कि जवानी में कितनी लड़कियां ढह जाती होंगी। बहुत ही फ्रेंड सारी। पर एक बात है, ये सिर्फ आवाजें निकालते कुछ बोलते भी हैं। तो है आपके कोई रोमांटिक पार्टनर? हाँ, मेरे हस्बैंड है मेरे साथ। इज ही रोमांटिक और नॉट? नहीं, रोमांटिक तो है मगर इतने नहीं जितनी मैं हूँ। तो वो शाहरुख खान है या अमिताभ बच्चन है या फिर विनोद खन्ना या ऋषि कपूर है या अनिल कपूर है लम्हे के? ये सबका मिला के एक निचोड़ है। अच्छा, लेकिन मजा नहीं आ रहा आपको? इतना मजा नहीं आ रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। हंसने की बात है। लेकिन जिस टाइम मैं जवान था, अच्छा, उस टाइम लड़कियां मुझे मजनू के नाम से जानती। अच्छा। यहाँ तक कि मेरे ऊपर जान देने के लिए तैयार रहती थी। पहली बार प्यार कब हुआ आपको? मैं तो बचपन से प्यार करता हूँ। प्यार तो मुझे 13-14 साल की उम्र से ही हो गया था, जब स्कूल में पढ़ता था। अगर हमने प्यार 11-12 में किया था वो सच्चा था, क्योंकि सोचने और समझने की शक्ति नहीं थी। मतलब जो अनजाने में हुआ वो प्यार। बाहर नाम दे गए। चलो ठीक है, उसका नाम बताओ। नहीं, नाम उस फिल्म का नाम बताओ जिसको देख के तुम्हें रोमांस करना आया। नहीं, DDLJ दी बेस्ट। DDLJ? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो सबने देखी है। चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक। टकीला के शॉर्ट्स तो पहली बार दिल तो पागल है में ही देखे थे हम लोगों ने। दाग, क्या फैंटास्टिक मूवी थी यार। दाग बहुत ही घातक फिल्म है। करेक्ट, दाग तो ओपनिंग है यशराज फिल्म्स की। If anyone doesn't know, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि हमारे एडिटर को पता हो कि ये डालना है। यशराज जी की जो फिल्म होती है ना उसमें बहुत डेप्थ होती है, बांधती है पब्लिक को, बांध देती है। सही कह रहे हो। तो उसमें जो तक उसमें आप खोगे नहीं तो फिर फिल्म का क्या मजा। जब से होश संभाला है देख, मतलब यश चोपड़ा की मूवी तो देखते ही आए। अरे वो जो कनेक्शन दिखाते हैं ना मुझे अच्छा लगता है। कनेक्शन एंड उसको क्या बोलते हैं, यश चोपड़ा जी किंग ऑफ रोमांस, उसे सिखाया था रोमांस करना सर। अच्छा, कैसे? जैसे उन्होंने बताया हमने कॉपी की उसकी। अच्छा, आपने खुद कॉपी की? हाँ जी, हमारे जो कई उन्होंने कॉपी की। तो जो पिक्चर में पिक्चराइज करते हैं रोमांस, तो मन हमारा भी करता है कि हम भी ऐसे करें। तो वो जो उन फिल्मों में जो प्यार दिखाते हैं, तो वो देख के कभी तुम लोग भी तो होप करते हो कि काश मेरी लाइफ में भी इतना रोमांस हो। बस होप ही करते हैं, ऐसे सोचते नहीं कि सच में होगा। आपको कौन, अमिताभ बच्चन या विनोद खन्ना? नहीं, मेरे तो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की बेस्ट फिल्म कौन सी लगती है आपको? कभी कभी। लम्हे देखी है? जिसने लम्हे नहीं देखी ना उसको तो दिखानी चाहिए। तो मैं देख लूंगा। अनिल कपूर की उसकी मूछें नहीं है, बहुत प्यारी एक्टिंग है। आप कौन सी रोमांटिक फिल्में देख के बड़े हुए? जब तक है जान, वीर जारा भी है, डर भी है। और रणवीर सिंह की? रणवीर सिंह की तो सारी यशराज हैं। बोला जो बोलने बोला। अच्छा, मैं ऐसे करता रहूंगा, ऐसे करता हूँ। आपको ठीक लग रहा हूँ? हाँ ठीक है, कर दो। हाय हाय, आज खुश तो बहुत होगा तुम। बहुत हूँ, हमेशा रहता हूँ, हर पल हर वक्त। अच्छा रुको ना, रुको, कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट तो दो। पता तो मैं क्या करता हूँ, फिर भी जा रहे हो। तभी तो जा रहा हूँ। आज खुश तो बहुत होगे तुम, आज खुश तो बहुत होगे तुम। भाई तुम साइन करते होगे नहीं? भाई करते होगे नहीं, ले उस आदमी का साइन जो मेरे हाथ में लेकर, मेरा नाम चोर है और मैं भूल गया। मेरे पास माँ है, वो तो डायलॉग सुना है? वो भी नहीं है, वो भी नहीं थी, वो छोटे भाई के पास रही थी। मेरे पास आज गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या है? मेरे पास मेरी माँ है। और बताइए, थोड़ा सा शरीर अगर ऐसे मोड़ लेंगे ना कैमरा। हाँ सर,
आओ ना पास आ जाओ, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। मुझसे मत दूर जाइए, कोई नहीं। Move your body close to mine now. एक ट्राई तो मार के देखो, क्या पता आप में वो बात हो जो आपको पता ही नहीं कि आप में है कि नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं सर, 7 हीरो को ऑफर हुई, उसके बाद जंजीर अमित जी को मिली, तो क्या पता ये कोयले के खदान में घूमने के बाद मुझे असली हीरा अब मिला हो। अच्छा किया आपने, है आप में बात, बहुत बढ़िया कर रहे हो। सलाम नमस्ते भी यशराजी है ना, है ना। सलाम नमस्ते भी यशराजी है। जावेद जाफरी का डायलॉग भी तो मैं आपसे बुलवा सकता हूँ क्या, कि गुड डे सर, आप बोलो गुड डे, गुड्डियों के साथ मैं नहीं खेलता। गुड्डे गुड्डे यार मैं नहीं खेलता। नहीं नहीं इसमें इतना भी मजेदार नहीं था, प्लीज कंट्रोल। आने की कोई नहीं, डजंट मैटर यार, व्हाट इज स्पोर्टिंग पॉपुलेशन। टेड़े ने 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 नहीं 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 धूम धूम चाबी धूम धूम। अरे अब तू बाइक पे आ और गाना गा चल। हेलमेट नहीं है। कम मौज मस्ती लो, खुल्ला 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 नहीं नहीं खुला। नहीं अभी नहीं, हाँ बोलो। खुला खुला। अरे ये इस डायलॉग का हो गया, मेरी माँ का आनंद लेते चलो मेरे प्यारे। द रोमांटिक, द रोमांटिक कम। सर भी देखो हंसते हुए जा रहे हैं, मुस्कुराते रह कर, हंसते रह कर, पारक है इसीलिए। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इतनी अच्छी लगी होगी जितने कि मुझे इसको शूट करने में मजा है। ये देखिए एक हाथ वाला हीरो मैं बन गया हूँ। तो अगर ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो भैया द रोमांटिक जो है नेटफ्लिक्स पे आ चुका है, जाके देखिए, प्लीज देखिए, अभी देखिए, मजा आएगा, मजेदार शो बनाया है। बाकी इसके अलावा अगर ये वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो भाई लाइक करिए, शेयर करिए, स्टैंड अलोन वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए कि देखिए कितना फनी आदमी है। और अगर मेरी वाइब इन वॉक्स पॉप में बढ़िया लगी, इस वीडियो में बढ़िया लगी, तो भाई प्लीज़ अपना चैनल है अनफिल्टर्ड बाय संदेश और दूसरा चैनल है ऑन ग्राउंड, जिस भी चैनल से आपकी वाइब मैच हो जाए जाके करिए सब्सक्राइब। बाकी क्या, मस्ती करिए, मजाक करिए।